हसी मुस्कावत सरस माधुरी हसी मुस्कावत सर सहचरी लाई भोग श्रृंगार श्रृंगार भोग आ रहा युगल का लाई जान सु अवसर सहचरी लाई भोग श्रृंगार
मधुर सलोने चर परे भर कर कंचन थार। मधुर सलोने चर परे भर कर कंचन थार। जान सुअवसर सहचरी लाई भोग श्रृंगार। मधुर सलोने चर परे भर भर कंचन थार। भर भर कंचन थार भोग श्रृंगार युगल मिली पावे। भोग श्रृंगार मन भावे। जेवत अरस परस मन भावे। भोग श्रृंगार युगल मिली पावे। भोग श्रृंगार युगल मिली पावे। भोग श्रृंगार श्रृंगार युगल मिली पावे। भोग श्रृंगार युगल मिली पावे। रबड़ी मावा और मुरब्बा। रबड़ी चार गिने नहीं जावे। अचार गिने नहीं जावे। विविध अचार गिने नहीं जावे। विविध अचार श्रृंगार युगल मिली पावे। भोग श्रृंगार युगल मिली पावे। खाजा खुरमा दूध मलाई। मलाई खाजा पूरे मातूद मलाई।
रुचि उपजाए। दही तिकोने सेव सलोने, दही तिकोने सेव सलोने, दही तिकोने सेव सलोने, दही तिकोने सेव सलोने। शाक अनेकन भांति सुहावे, शाक अनेकन भांति सुहावे, भोग श्रृंगार युगल मिल गावे, भोग चवन करी बीरी आरोगत, अचवन करी बीरी आरोगत, अचवन करी आरोगी बीरी, अचवन करी आरोगी हसी हसी सखियन सो बतरावे, हसी हसी सखियन सो बतरावे, सरस माधुरी छकी दरस छवि, सरस माधुरी छकी सरस माधुरी छकी दरस छवि, सरस माधुरी छकी दरस छवि, दंपति को दर्पण दिखलावे, दंपति को दर्पण दिखलावे, दंपति को दर्पण दिखलावे, दंपति को दर्पण दिखलावे, भोग श्रृंगार किया ललित श्रृंगार सखिन ने, किया ललित श्रृंगार सबका चित चोरन हार सखिन ने, किया ललित श्रृंगार क्रीट चंद्रिका मुकुट मनोहर मुक्ता मणि को हार, भांति भांति के बसन विभूषण शोभा अमित अपार, अतुलित अनुपम छटा माधुरी मन मथला जनहार, किया सखियन ने शुभ श्रृंगार
भ्रुकुटी बंक नैन रतनारे चितवन जादूडार सुंदर चिवुक नासिका मोती दम 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 कनिहार जुल्फे प्यारी छुटी कपोलन ये बिचकस कनिहार सखी बहु सुमन माल पहिरावन रूप अनूप निहार कोकिल अरुमृग नैनी करितन मन बलिहार सुखमा सजन बदन अति सुंदर शोभा छवियागार देव सुमन बरसावत हर्षत बोलत जय जयकार युगल सरकार की श्रृंगार कुंज बिहारी बिहारी जी की जय हो तन मन बारत लेत बलैया सखी सब रही निहार जानकी जीवन शोभा वर्णत शेष न पावत पार या ललित श्रृंगार सखिन ने किया ललित श्रृंगार श्रृंगार आरती करत श्रृंगार सकते हैं नहीं जा
दस्तखत जाए बलैया ले दम हाले रघुपति हाले करण ललन ललनासी प्यारी
अवध ललन ललना सिया प्यारी अवध सभा भवन सुख समय तैयार सभा भवन सुख समय तैयार सभा भवन सुख समय तैयार लाल पिया सुख पाल पाल की न लाल पिया सुख पाल पाल की न चाल पिया सुख पाल पाल की न लाल पिया सुख पाल की न चारु शिला दिक सहचरी सा सुभग दिव्य से घासन सुंदर सुभग दिव्य
सरकार ने प्रातः मंगला में गो दर्शन किया, धारोष्ण दुग्ध से स्नान किया, गो पूजन किया और अब राज दरबार का जो मनोरथ है उसकी झांकी है। इस राज दरबार के मनोरथ में सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय के सभी बटुक ब्रह्मचारी आचार्य श्री महेश जी के आचार्यत्व में उन्हीं के सब ब्रह्मचारी हैं। भगवान का दरबार खुलते ही दर्शन होते ही कुछ क्षण सस्वर वेद पाठ करेंगे, इसके बाद फिर एक नर्तक नर्तिका बेस ठाकुर जी के दरबार में नृत्य करेंगी। परम भक्त हृदय हैं, मलुक पीठ की ही शरणागत, ठाकुर जी की शरणागत शिष्या हैं, शास्त्रीय नृत्य की विशेष शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है। देश विदेश पूरी दुनिया में वे अपनी शास्त्रीय प्रस्तुति से उन्होंने सबको बहुत सभी संतुष्ट हुए हैं गुणीजन, और भारतीय संस्कृति की गरिमा महिमा को स्थापित किया है। वे एक पद पर अपनी पुत्री के सहित नृत्य करेंगी, इसके बाद जगन्नाथ अष्टकम की वे भावमयी प्रस्तुति राज दरबार में जगन्नाथ श्री रघुनाथ जी के सामने प्रस्तुत करेंगी। तो पहले ये दरबार में आए तो पहले स्वागत होगा, इसके बाद वेद सुनाएंगे। ऐसे थोड़ी, अरे दो दिन उड़ाते चले जाओ। नृत्य की प्रस्तुति होगी, गान होगा, नृत्य होगा और वादन भी होगा। दो दो तीन तीन पांच पांच मिनट, थोड़े थोड़ा समय, कोई एक धुन आप बजा देंगे सरकार सरकार के दरबार में। वीणा पर एक धुन बांसुरी वाले शर्मा जी बजा देंगे, पखावत पर थोड़ा बज जाएगा, तबला पर थोड़ा बज जाएगा और श्री गिरधारी जी कुछ आलाप जारी कर देंगे हारमोनियम पर। सीता शरण जी कुछ आलाप ले लेंगे दरबारी में।
राज दरबार की, युगल सरकार की, राजाधिराज की, श्री जनक दुलारी जी की, श्री रघुनाथ जी की जय जय श्री सीताराम। वासो वित्तामा अग्ने साम्रा दाभिद्योम नामाभिसाह यच्छस्वा आयामग्निर्गृहा पातर्गारेहा पत्या राजाया वासु वित्तामा गृहापते भिद्योम नामाभिसाह यच्छस्वा आयामग्निः लाइमान पुष्टिवर्धानाः अग्ने पूरीख्या भिद्योम नामाभिसाह यच्छस्वा गृहामाभिभी तामावे पधवा मूर्जाम विभराता ए मासी ऊर्जाम विभरतवा सुमाना सुमेधा मीमाना सामो दामाना जेखा मध्ये त्परावासान्ये बाहु गृहानुपभाया माहेतेनो तू जानाता उपाहूता इहागा व उपाहूता आजावाया आथो अन्नस्या कीला न उपाहूतो गृहे पुनः क्षेमायावाः शान्त्यै प्रापद्ये शिवग्गुं सग्मग्गुं संजोः राघासिनो हवामाहे मारुतश्चारिषा दासाः आरम्भेण साजो खासा जदग्रामे जादारण्य जत्साभायां जादिन्द्रिय जादेनश्च क्रेमा वायामिदा तादावाया जामाहे मोघुण इन्द्रात्रपृत्सुदेवै रस्तिहिखमात् सुखमेन्नावायाः माहश्चिद्यस्यामीढुखो जव्याः विखमातो मारुतो बन्धाते गीः अकरान् कर्मा कर्मा कृताः साहब्बाचा मायो भुवा देवेभ्याः कर्मा कृत्वास्तां प्रेता साचा भुवाः आवाभृथानि चुं पुणानि चेरुरासि आवादेवैर्देवा कृता मे नो या
सिखामा वा मर्त्यैर् मर्त्याकृतां पुरुरापणो देवारिखस्पाहि पूर्णादर्विपारा पाता सुपूर्णा पुनारा पाता वसने वब्बिकरीणा वाहा इखा मूर्जगो चातकरा तो देहि मे मीते नि मे देहि नीते दाधे निहारं चाहरासि मे निहारं निहारा नीते स्वाहा आयंगौ प्रश्नेरकरामि दासादान्मा तारां पुराः पितारं च प्रायं स्वाहा इदं विष्णुर्द्विचक्रा त्रेधानि दाधे पादाम्मा सामूढमस्यापा गुंसूरे स्वाहा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मावर्चासि जायतामाराष्ट्रे राजन्याः शूर इघभियोत्व्याधि महारथो जायता दोग्धरीधेनुर्वोढा नडवानाशुः शक्ति पुरंधर्जोखा जिष्णु राधेष्ठाः साभेयो जुवास्या जाजामा नस्यवीरो जायतान् निकामे निकामे नाहा परजन्यो न ओखाधायाः पच्यन्ताञ्जो गक्षे मो नाः कल्पतां मा श्रीश्चाते लक्ष्मीश्चापत्न्या बाहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्रा पामश्विनौ व्याप्तां मा इषणन्निखाण मुम्म इखाण सर्वालोकं मा इखाण हरि ओम महाराज जी आप पूरा कष्ट कर देंगे अभी बटुक ब्रह्मचारी अपने स्थान पर विराजे अनुष्ठान में सभी ले लो जो बाकी हो ले लो। अभी दीनबंधु दास जी आप बोलो। जय श्री राम। ठाकुर जी सिराज दरबार में विराजमान हैं, हम सभी लोग दरबार में विराजमान ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। अनेक गुणीजन आकर के ठाकुर जी को रिझाएंगे अपने अपनी कला से। जैसे महाराज श्री ने बताया
सबको जिसको जो कला ठाकुर जी ने दी है अपनी कला के द्वारा, ठाकुर जी को ही रिझाएंगे और हमारी कला की सफलता भी इसी में है जिससे ठाकुर जी प्रिया जी रिझ जाएं। तो ये सौभाग्य होगा जड़खोर गौधाम में जो कुछ श्रम किया है, जिस कला को अर्जित किया है, आज उस कला की प्रस्तुति ठाकुर जी के चरणों में करने को मिल रही है। आज ये कला भी धन्य हो जाएगी और जो उस कला की प्रस्तुति करेंगे वो भी धन्य होंगे। तो महाराज श्री ने जैसे पूर्व में कहा कि अपने मलुकपीठ से पूज्य महाराज जी से ही जो शरणागत हैं और बहुत हृदय जिनका भाव से भरा रहता है, निरंतर कोई ना कोई ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन ही रहता, क्योंकि बिना लीला चिंतन के वो प्रस्तुति होना संभव नहीं है। आपने श्री कुंज लता जी अभी जो आपको प्रस्तुति देंगी अपनी बेटी के साथ में, देश विदेश में अनेक जगह जा करके गीत गोविंद पर तो आपकी ऐसी अद्भुत प्रस्तुति है, देख करके सबका हृदय भर आता है। तो आज जब राज्यसभा राज दरबार ठाकुर जी का लगेगा तो महाराज जी का भाव था श्री सीताराम जी का अष्टयाम हो रहा, तो बिल्कुल ठाकुर जी राज दरबार में विराजें तो वैसा ही दृश्य होना चाहिए, ठाकुर जी राजी हों। तो मन में भाव था क्या करें, तो हम लोगों ने आपस में चर्चा की क्या करना चाहिए। तो सहज में भाई अपने लोगों का स्मरण होता है कि चलो अपने मलुकपीठ से जुड़ी हुई कुंजलता जी हैं, देश विदेश में तो अपनी कलाओं का प्रस्तुतिकरण करती हैं, आज ठाकुर जी श्री जी के चरणों में इनको अवसर मिल रहा है और जड़कुर गोधाम में तो आज उनके द्वारा सुंदर वो जगन्नाथ अष्टकम और जो जो पुष्प करेंगे इसके बाद जो पद है उसके माध्यम से भी उनके प्रस्तुतिकरण होगा। तो हम सबके मध्य में कुंजलता जी अपनी बेटी के साथ में हैं, हम लोग दर्शन करेंगे और इसके बाद और सभी लोग अपनी अपनी कलाओं का प्रस्तुतिकरण करेंगे। और हम कह ही देते हैं सब लोग तो आप करेंगे ही, अब महाराज श्री भी विराजमान हैं तो हम चाहेंगे ठाकुर जी के चरणों में महाराज जी भी थोड़ी देर सितार वादन करेंगे, महाराज जी की भी कला की प्रस्तुति होगी, हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी, ठाकुर जी बहुत राजी होंगे, बहुत प्रसन्न